हाय गाइस, वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट। और आज बात करने वाले हैं ग्राफिक्स इनपुट और आउटपुट। लिखा हुआ ये आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस के ऊपर बात करेंगे, कैसे क्या वर्क करने वाले हैं चीज़ें। द इनपुट डिवाइस आर द हार्डवेयर दैट इज यूज टू ट्रांसफर द इनपुट टू द कंप्यूटर। एक्चुअली जो भी एनवायरमेंट से अपन को इनपुट मिलता है, लाइक कीबोर्ड के थ्रू आपने इनपुट दे दिया, लाइक मेरा नाम लिख दिया शायद, तो वो कंप्यूटर के पास गया, उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे देखो इनपुट आया, इनपुट डिवाइस ने इसको एक्सेप्ट लिया, कंटेन किया, उसके बाद मशीन के पास गया। मशीन इसके थ्रू जो भी आउटपुट मिलेगा वो डेटा आउटपुट डिवाइस को देगी और आउटपुट डिवाइस उसको रिजल्ट के थ्रू शो करेगा। तो आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले डेटा फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से डेटा लेके आउटपुट डिवाइस रिजल्ट शो करेगा। अब देखो तो क्वेश्चन बनता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है। लाइक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एक होता है ऐसे ट्रैक बॉल होती है, स्पेस बॉल होती है, जॉयस्टिक के सुना होगा आपने, लाइट पेन सुना होगा, डिजिटाइजर होता है, ओके, टच स्क्रीन आपकी पता ही आपको, आपका मोबाइल, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, इमेज स्कैनर, ठीक है। इन सब को अभी डीपली मैं बात करूँगा एक एक की, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा पूछ ले, तो सारा अपन तो सारा कवर करने वाले हैं, ऐसा नहीं है एक दो टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, पूरा कंप्लीट बताऊंगा। सीजीएमटी प्लेलिस्ट पढ़ा रहा हूँ तो पूरी कंप्लीट कराऊंगा आपको। आउटपुट डिवाइस की बात करूँ तो मॉनिटर, आपको पता है देखने के लिए आउटपुट मिला, जैसे आपने कोई टाइप किया साइल, तो अब आप मॉनिटर में देखोगे हाँ साइल लिखा हुआ है नोटपैड में। इसी प्रकार प्रिंट करवाना है प्रिंटर और एक प्लॉटर, इन सब के ऊपर अब डीपली धीरे धीरे करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ इनपुट डिवाइस अपनी कीबोर्ड। कीबोर्ड की 101 की वाली आपके पास होता है कीबोर्ड, QWERTY एक कीबोर्ड होता है, ये एक टाइप है, ठीक है। द कीबोर्ड हैज अल्फाबेटिक एज वेल न्यूमेरिक, आप सभी को पता है, नंबर, अल्फाबेटिक, स्पेशल कंट्रोल, स्पेशल सिंबल, कर्सर कंट्रोल, फंक्शन की, न्यूमेरिक की आपके पास देखने को मिलती है। और कीबोर्ड आप मेरे से अच्छा लिख सकते हो, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है, ओके। बात करूँ माउस डिवाइस की, तो माउस डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यूज टू पोजिशन द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, सबको पता है। इट इज ए स्मॉल पाम साइज बॉक्स होता है, दे आर द 2 and 3 डिप्रेशन स्विचेस ऑन द टॉप, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द एक्स हेल्प द इन द ओरिजेंटल मूवमेंट एंड द वाई एक्सेस हेल्प द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। द माउस कैन नॉट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है, ये केवल पॉइंट करने के लिए होता है एक्स और वाई एक्सेस के अंदर। होरिजोंटल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट के लिए अपन माउस यूज करते हैं, सो दे आर यूज इन कंजक्शन विद ए कीबोर्ड, ओके। बात करूँ ट्रैक बॉल की, तो इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू द माउस, दिस इज मेनली यूज इन द नोटबुक एंड द लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ द माउस। दिस इज ए बॉल विच इज ए हाफ इंसर्टेड एंड बाई चेंजिंग फिंगर्स ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव। आपने यूज किया होगा या तो आपको पता होगा, ट्रैक बॉल यूज करते हैं अपन, लैपटॉप में भी यूज करते हैं और नोटबुक में भी यूज किया जाता है, जिसके अंदर आधा तो ये अंदर मशीन में इंसर्टेड और आधा बाहर होता है, और उसके ऊपर उंगली फेरने से वो मूवमेंट करने लग जाता है पॉइंटर आपका। बात करूँ स्पेस बॉल की, तो सिमिलर टू द ट्रैक बॉल होती है, इट कैन मूव इन अ 6 डायरेक्शन, ध्यान से देखना 6 डायरेक्शन में वर्क करता है। ट्रैक बॉल में केवल 2 ही डायरेक्शन में वर्क किया जा सकता है एक्स और वाई के अंदर, बट इसमें 6 डायरेक्शन होती है। मेनली इसका यूज कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डायग्राम की एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, तो इसके अंदर एक प्रेशर भी यूज किया जाता है, और इट कैन बी पुश्ड एंड पुल्ड इन द वेरियस डायरेक्शन। तो मेनली इसका यूज 3D पोजिशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी 3D डायमेंशन के लिए यूज किया जाता है मेनली, और मैंने जैसे आपको बताया था CAD एप्लीकेशन में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। और इट इज़ यूज टू सिलेक्ट वेरियस फंक्शन इन द फील्ड ऑफ वर्चुअल रियलिटी में बहुत ज़्यादा काम आता है ये स्पेस बॉल। तो जॉयस्टिक भी एक अपनी पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो आपके कर्सर पोजिशनिंग को चेंज करने के लिए काम करती है। इसके अंदर एक स्पेयर बॉल होता है बोथ लोअर एंड अपर एंड, जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। खासली इसका मेनली यूज आपका कैड और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स में, तो आपको पता होगा जॉयस्टिक साथ के साथ कैड होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जो सिविल वाले स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं इसमें वर्क, तो कैड के अंदर भी जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। और ये 4 डायरेक्शन में वर्क करता है, कितनी, 4 डायरेक्शनों में वर्क करता है। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है विच यूज टू सिलेक्ट द डिस्प्लेड मेन्यू आइटम एंड ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। लाइक लाइट पेन, जैसे कि आप जैसे टच स्क्रीन होता है वैसे लाइट पेन को यूज किया जाता है मॉनिटर पे। लाइक सैमसंग के पहले लाइट पेन आते थे ना स्क्रीन पे लिखने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, ऑल द थिंग्स वी वर यूज्ड लाइट पेन, ओके। नाउ डिजिटाइजर, ये आपको पता है ये ऑपरेटर इनपुट डिवाइस होती है जो एक स्मूथ बोर्ड को कंटेन करके रखती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस कह सकते हो। और ये आपके एक स्विच बोर्ड टाइप में कंटेन करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेशन पोजीशंस के साथ में, साथ के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर मेमोरी के साथ में।
अगला है हमारा टच पैनल। आपको पता है आपके हाथ में जो टच स्क्रीन मोबाइल है बस वही है और कुछ ही नहीं। डिटाइज टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन दैट हैज़ अ टच सेंसिटिविटी, ट्रांसपेरेंट पैनल कवरिंग द स्क्रीन एंड टच स्क्रीन रजिस्टर इनपुट व्हेन अ फिंगर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रीन। स्क्रीन के कॉन्टेक्ट में आते ही रजिस्टर्स वर्क करने लग जाते हैं। वॉइस सिस्टम, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके आउटपुट देता है जो आपने स्टोर कर रखा होगा, लाइक मेरे वॉइस से मोबाइल खुल जाए, वॉइस से पासवर्ड खुल जाए एंड ऑल द थिंग्स। वॉइस सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। इमेज स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस होती है, जो भी डेटा रिटर्न होता है किसी भी पेपर के ऊपर आपका डेटा या टेक्स्ट रिटर्न होता है उसको स्कैन करने में काम आता है। लाइक आपका पेपर रिटर्न है उसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेनली, लाइक आपका कोई पेपर है ठीक है उसको आप स्कैन करो इमेज स्कैनर के थ्रू, फिर वो रिटर्न आपका डिजिटल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ब्लैक व्हाइट और कलर पिक्चर तीनों देखने को मिलती है एंड 2D एंड 3D रोटेशन भी देखने को मिलता है। दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर और ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है, इसके अंदर ग्लास टॉप होता है एंड ऑल द थिंग्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो स्कैनिंग इसकी जो होती है लाइन बाई लाइन होती है और इसमें लेफ्ट टू राइट होता है वर्क एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अनटिल द कंप्लीट लाइन इज स्कैन। जब तक एक लाइन पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरी लाइन नहीं होती है। सेकेंड वन इज ए हैंड हेल्ड स्कैनर, इट इज हैज़ ए नंबर ऑफ LEDs एंड LEDs आर अरेंज इन ए स्मॉल केस। इट इज ए हैंड हेल्ड स्कैनर बिकॉज इज कीप्ड इन हैंड विच परफॉर्म स्कैनिंग। अच्छा, हाथ में रख के वैसे स्कैन करने वाली चीज़ है, कोई भी डॉक्यूमेंट को टॉप से लेके बॉटम तक स्कैन कर देगा जस्ट लाइक ए बारकोड, समझ गए। लेकिन बारकोड में क्या अपन बस जस्ट स्कैन करते हैं। अब मैं बात करूंगा आउटपुट डिवाइस हमारी है प्रिंटर, जो अपनी परमानेंट डॉक्यूमेंट देती है एक पेपर के ऊपर ठीक है। आउटपुट प्रोड्यूस बाय प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। अपन जाके दुकान पे बोलते हैं भैया हार्ड कॉपी, लेकिन आपको शायद आप में से बहुत कम को पता होगा कि प्रिंटर भी दो टाइप में डिवाइड है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रिंटर में इम्पैक्ट के अंदर दो आते हैं, कैरेक्टर लाइन, कैरेक्टर में आते हैं डॉट मैट्रिक्स एंड डेसिबल, और इसमें लाइन में आते हैं ड्रम और चैन। नॉन इम्पैक्ट में आता है इंकजेट और लेजर प्रिंटर ठीक है। जो मैन है उनकी बात कर लेता हूँ मैं अभी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं कैरेक्टर वाइज स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर आर नोन एज द इम्पैक्ट प्रिंटर, एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर द कैरेक्टर विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू द पेपर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट। दिस प्रिंटर प्रिंट द कम्प्लीट पेज एट अ टाइम, देयरफॉर ऑल्सो नोन एज ए पेज प्रिंटर। देखिए जो आपका इम्पैक्ट होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट स्ट्राइक करता है रिबन पर, और यहाँ पर क्या करता है विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन, रिबन पे स्ट्राइक किए बिना ही प्रिंट कर देता है और एक के टाइम में पूरा कंप्लीट पेज प्रिंट करता है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाए, इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, इसलिए इसको लेजर और इंकजेट प्रिंटर इसके अंदर एग्जाम्पल देखने को मिले। और जबकि इम्पैक्ट में जो पैक वो कैरेक्टर का स्ट्राइक कर पा रहा है रिबन पे वो है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, जिसके अंदर फर्दर और डिस्क्रिप्शन पे अभी हमने बात की थी वो हो जाएंगे। इतना काफ़ी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करूँ प्लॉटर, प्लॉटर इज ए कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक, यानी कि डायनेमिक ग्राफिक, यानी कि 2D 3D में जो आपकी होती है डिजाइनिंग उसको शो करने के लिए। तो प्लॉटर आर वेरी स्पेशल ऑफ द आउटपुट डिवाइस एंड आर्किटेक्चर प्लान ऑफ बिल्डिंग द मकान CAD एप्लीकेशन में, मैनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्लॉटर का ही यूज किया जाता है ताकि आप 3D व्यू देख सकें किसी भी पेपर के ऊपर। तो मेनली प्लॉटर का यूज इसी काम में किया जाता है। इसके पास भी दो टाइप होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो हमारा पहला टाइप आता है जो है ड्रम प्लॉटर, आपने देखा भी होगा यहाँ पर एक कुछ ही नहीं होता, ड्रम कैन रोटेट इन अ बोथ डायरेक्शन पहली बात तो, एंड प्लॉटर कंप्रोमाइज वन ऑफ द पेन एंड पेन होल्डर एंड होल्डर आर माउंटेड परपेंडिकुलर टू द ड्रम सरफेस। जो आपका पेन होता है वो होल्डर में ही रखा जाता है और लेफ्ट टू राइट मूव करता है एज वेल एज राइट टू लेफ्ट, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में है। देन ग्राफ प्लॉटिंग प्रोग्राम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पेन एंड ड्रम, तो ड्रम इस तरह से वर्क करता है ड्रम प्लॉटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन हमारा प्लॉटर है फ्लैट बेड प्लॉटर, यानी कि वो आपने ये भी देखा ही होगा आपने। तो ये बड़ा ही साइज, इसका मतलब बहुत बड़े साइज में होता है थोड़ा ये, एंड इट कैन वेरी A4 टू 21 इंच टू 52 इंच, एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग में मेनली इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा फाइनल था, हो गया।
सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।